इस कहानी के शुरू में हम वंजन से मिलते हैं। उसे कॉलेज जाने के लिए एक नए शहर में शिफ्ट होना था और उसका दोस्त उसे ड्रॉप करने गया था। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि उसका दोस्त दूना का काफी बड़ा फैन है। वो वंजन से कहता है कि अगर शहर में तुम्हें दूना दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। वंजन उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी बड़ी सिंगर है। वंजन अपने नए जर्नी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद उसे अपने नए घर में शिफ्ट होना था। इसी बीच उसके सामने एक लड़की होती है, उसे रियलाइज होता पर ये तो दूना होती है। दूना को ऐसा लगता है कि वो उसका फैन है, वह वंजन तो उसे पहचान भी नहीं पाता। इसके बाद वो बाकी सबसे मिलता है और शिफ्ट होना शुरू करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि दूना किसी के कॉल का इंतजार करती रहती है। वही वंजन डिसाइड करता है कि वो बच्चों को ट्यूशन देगा क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। इसी बीच उसे भी रियलाइज होता है कि दूना हर समय किसी के कॉल का इंतजार करती रहती है। और इसी बीच दूना को लगता है कि वंजन उसका स्टॉकर है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो तभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। इसी बीच उसे अपने दोस्त का कॉल आता है, वो हर समय बस दूना के ही गाने गाता था। वो वंजन से काफी देर बातें करता है पर वंजन के मन में वो गाना रह जाता है, इसलिए वो उसे गुनगुना रहा था। इसी बीच उसे दूना सुन लेती है, उसे कहती इस गाने को गाना बंद करो तुम। और तभी वंजन को रियलाइज होता है कि ये तो दूना है। उसे कहता मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तो दूना उसे सुना देती है। वो कहती मुझसे झूठ मत कहो तुम, मैं तुम्हारे जैसे स्टॉकर्स को काफी अच्छे से जानती हूँ। वंजन उसे माफी मांगता है, वो कहता मुझे तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना था। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है जिंजू से। जिंजू उसके साथ स्कूल में हुआ करती थी और वंजन उसे प्यार करता था। उसे ऐसे सामने देखकर उसे काफी अजीब लगता है। ये कुछ देर काफी सारी बातें करते हैं और शाम को उसे ड्रॉप कर देता है। उसके सामने कई सारी यादें आ गई थी। इसी बीच वो दूना को देखता है और वो फिर से किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी। उसकी तबीयत भी सही नहीं थी इसलिए वो बेहोश हो जाती है और वंजन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसे जब होश आता है तो वंजन उसके सामने होता है। नर्स उसे पूछ रही थी कि आप अपनी फैमिली को बुलाइए, पर दूना उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। वो कहती उसकी कोई फैमिली नहीं है। और ये देखकर वंजन उसका पूरा ध्यान रखता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करता है। नर्स ने उसे कहा था कि दूना को गर्म कपड़ों की जरूरत है, इसलिए वंजन उसके लिए सॉक्स लाता है। दूना को इन सब चीजों की आदत नहीं थी, बचपन से उसकी मॉम ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उन्हें बस पैसे कमाने से मतलब था। और दूना जब बड़ी स्टार बन गई तब भी उन्हें बस उसकी शोहरत से मतलब था। और दूना बस एक चीज चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे और उसके साथ रहे। और ये चीज उसे वंजन से मिलती है, इसलिए अगले ही दिन से वो उसे बातें करना शुरू करती है। वंजन को समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो हर समय उसके पीछे पीछे घूमती रहती, वो हमेशा उसे एक ही चीज कहती कि चलो कुछ खाने चलते हैं। पर वंजन ऐसा कर नहीं पाता था क्योंकि ज्यादातर समय वो काफी बिजी रहा करता था। ऐसा नहीं था कि उसे दूना पसंद नहीं थी, उसे तो वो काफी पसंद थी। उसे लगता था कि वो काफी खूबसूरत है, पर वो जानता था कि वो काफी बड़ी स्टार है, इसलिए वो खुद को उसे दूर रखता था। इसी बीच एक दिन कॉलेज में उसकी नजर जिंजू पर जाती है। कुछ समय पहले वो जिंजू को काफी ज्यादा चाहता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए क्या फील करता है। इसी बीच एक दिन दूना उसे कॉल करती है, वो कहती है मुझे तुम्हारा नंबर तुम्हारे फ्लायर से मिला। उसका मूड काफी मजाक वाला होता है और वंजन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, मैं तुम्हारी तरह नहीं जी सकता, मुझे अकेला छोड़ दो। वंजन को रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। वो तो बस उसके साथ खाना खाना चाहती थी, इसलिए वंजन उससे बात करना चाहता था। उसके दरवाजे पर नॉक करता है, वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने जाना है, जब तुम्हारा मन होगा मुझे बता देना। और दूना उसे कुछ भी नहीं कहती, पर जब वो अपनी क्लास में होता है दूना उसके सामने आती है, उसे कहती मुझे अभी बाहर जाना है, इसलिए वंजन को उसके साथ जाना पड़ता है। उसे रियलाइज होता है कि दूना एक काफी सिंपल सी लड़की है, उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस किसी के साथ की जरूरत थी। वो हर समय बस अकेला रहती थी और सबसे छुपकर रहती थी, उसे डर था कि कोई उसे देख न ले और उसे पहचान न ले। इसी बीच वंजन को एक कैफे में नौकरी मिलती है और इसी कैफे में जिंजू भी काम कर रही थी। जिंजू को उसकी कंपनी काफी पसंद थी, दरअसल वो जिंजू से काफी समय पहले मिला था जब भी स्कूल में थे, उसे वो पहली ही नजर में काफी अच्छी लगी थी। इसी बीच एक दिन उसके पास आई थी, उसे पढ़ाई में वंजन की कुछ मदद चाहिए थी और तब से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दूना को उसकी मॉम का कॉल आता है पर वो उसे रिसीव नहीं करती। उसे पता था कि उसकी मॉम को बस उसके पैसों से मतलब है। इस पल उसका मन करता है कि वो पी से बात करे। पी दरअसल उसका मैनेजर था और वो सारे समय बस उससे बात करना चाहती थी, पर पी कभी उसका जवाब नहीं देता था। दूना काफी ज्यादा अकेली थी। इसी बीच वो बाहर की ओर आती है, उसके सामने वंजन होता है। उसे वंजन काफी पसंद आ गया था, उसे ऐसा लगता था कि शायद वो वंजन पर भरोसा कर सकती है। उसकी जिंदगी काफी मुश्किल थी, एक काफी छोटी उम्र से उस पर हमेशा प्रेशर था कि वो हमेशा बस अच्छा परफॉर्म करे, उसे
हमेशा एक स्टार समझा गया, पर किसी ने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। बस एक वंजन था जो उसे नॉर्मल तरीके से बात करता था। इसी बीच एक दिन वंजन की नजर जिंजू पर जाती है और दूना को रियलाइज होता है कि शायद वो उसे पसंद करता है। तभी जिंजू भी उसके पास आती है। जिंजू को रियलाइज होता है कि तो दूना है। इसके बाद ये तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं। इसी बीच जिंजू और दूना में दोस्ती होती है और तभी जिंजू को उसके पापा का कॉल आता है। दूना उसे रिसीव करती है और उसके पापा काफी कुछ कहने लगते हैं कि तुम लड़कों के साथ घूम रही हो और ये सारी चीजें। इसलिए दूना कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसकी दोस्त हूँ और वो मेरे साथ है। दूना को रियलाइज होता है कि जिंजू के पापा काफी अजीब है, वो काफी ज्यादा कंट्रोलिंग थे और इस पल उसे जिंजू पर काफी दया आती है। इस बीच दूना टेरिस पर जाती है और वंजन भी आता है। वंजन को रियलाइज होता है कि दूना ने काफी ज्यादा ड्रिंक की है और उसका पैर फिसलने वाला है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है, उसे गिरने नहीं देता। दूना उसके पास आती है और उसे रियलाइज होता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस जाती है। और ऐसा करने से वंजन बस उसके बारे में सोचता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि दूना ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या उसे वो पसंद है या ऐसा कुछ। इसी बीच जिंजू उसे बताती है कि रात के समय उसने दूना और वंजन को साथ में देखा था। उसे लगता था कि दूना और वंजन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वंजन देखता है कि जिंजू भी किसी से बातें कर रही है। वो जब वापस आता है तो वो दूना की मदद करने लगता है, उसकी रिसाइकल करने में मदद करता है। वो कहता, तुम्हें तो आदत होगी कि सब लोग तुम्हारे लिए सब कुछ करें, तुम्हें जो चाहा हमेशा से मिला है। ये सुनकर दूना को उस पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वही जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी समय से वो बस अकेली थी और वंजन तो बस उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो कोशिश करती है कि वो अपने काम को अच्छे से कर सके, उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत न पड़े। उसे वंजन का साथ काफी पसंद था, इसलिए एक दिन वो उसके साथ डिनर करने आती है। दरअसल ऊपर के फ्लोर पर इतने लड़के रहते थे और नीचे के फ्लोर पर दूना सिर्फ अकेली रहती थी। अब क्योंकि उसे वंजन काफी पसंद था, वो उसके साथ काफी समय रहने लगती है। उसे पहले से काफी अच्छा फील होने लग गया था, उसे पहले की तरह मायूस फील नहीं होता था। दरअसल काफी समय पहले वो जब अपनी ऊंचाइयों पर थी, उसे लगा कि उसे ब्रेक की जरूरत है। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो और गाना नहीं गा सकती, इसलिए उसने पी से बात की थी कि उसे परफॉर्म नहीं करना है, पर पी ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसे जबरदस्ती परफॉर्म करने के लिए भेजा गया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सकी। वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी जब सारी दुनिया उसे देख रही थी। इसी पर वो ऊंचाई से गिरकर एकदम नीचे आ गई। सारी दुनिया जानती थी कि कैसे वो बर्बाद हो गई। कोई भी ये नहीं जानता था कि उसे रुकने की जरूरत है, उसे आराम और प्यार की जरूरत थी, और ये प्यार और सपोर्ट उसे सिर्फ वंजन दे पाता है। वो कहती है, जिंजू तुम्हें पसंद करती है। वंजन उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कई साल पहले मैंने उसे बताया था कि मैं उसे प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे दूर हो गई। दूना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, चाहे तो मेरे ऊपर ट्राई कर सकते हो। और वंजन वैसे ही करता है। वो कहता है, ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करना किसी पर काम नहीं करता। पर ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी चीजें दूना पर काम करती है। उसे वापस आती है, उसके रूम में एक तोहफा था। दूना को रियलाइज होता है कि शायद पी यहाँ पर आया था। उसे ढूंढते हुए काफी ज्यादा दूर चली जाती है, पर उसका कोई नामो निशान नहीं होता। उसने हमेशा पी को चाहा था, पर पी कभी उसका साथ नहीं देता था, उसने उसे हमेशा अकेला छोड़ा था। इस बीच वंजन को एक पुरानी फोटो मिलती है। ये तस्वीर उसकी और जिंजू की थी। ये तस्वीर उस समय की थी जब उसे जिंजू काफी पसंद थी। इसी बीच हम देखते हैं कि दूना काफी ज्यादा परेशान है। वो अपने आप को गलती से वॉशरूम में बंद कर देती है, उसका दरवाजा ही नहीं खुलता। और शाम को वंजन जब वापस आता है, उसे रियलाइज होता है कि कुछ तो अजीब है, इसलिए वो दूना को देखने जाता है। दूना उसे कहती, मैं अंदर बंद हूँ, इसलिए वंजन डोर को खोलता है और दूना जल्दी से उसके पास आती है। वंजन को रियलाइज होता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है और काफी डरी हुई है। इसके बाद वो उसके डोर को फिक्स करता है। उसे दूना की कहानी पता नहीं थी, उसे बस इतना पता था कि उसे दूना की चिंता है। उसे अच्छा लगता था उसका ध्यान रखना, उसे ऐसे परेशान देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दूना काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो आने वाला समय उसका काफी साथ देता है। उसे इतना तो समझ ही आ गया था कि दूना उसे पसंद है, पर साथ ही उसके मन में जिंजू के लिए काफी सारी फीलिंग्स भी थी। दूना उसे कहती, तुम्हें उसे मिलना चाहिए, इसलिए अगले ही दिन उसे मिलने बुलाता है और जिंजू के साथ टाइम स्पेंड करके उसे काफी अच्छा लगता है। इसी बीच काफी जोर से बारिश होती है और ये बस का इंतजार कर रहे थे, और तभी जिंजू का दोस्त उसके सामने गाड़ी रोकता है। उसे जिंजू काफी पसंद थी और ये सब देखकर वंजन को थोड़ी सी जलीसी होती है। उसे याद आता है कि कैसे जिंजू उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और एक दिन काफी हिम्मत करके उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, और उस दिन के बाद से जिंजू हमेशा के लिए गायब हो गई। उसने उससे कभी बात ही नहीं की और ये सब सोचकर वो काफी सैड होता है। तभी दूना उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करके वंजन का मूड काफी ठीक होता है। वो वापस आते समय उसे अपना हुडी देता है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा
थी। और जैसे जिंजू ये सब देखती है उसे काफी जेलिसी होती है। दूना के पास वंजुन का हुडी था। इस बीच काफी सारा समय साथ रहते हैं और वंजुन को रियलाइज होता है कि वो जिंजू के लिए वो सब फील नहीं करता। उसने उसे प्यार जरूर किया था पर इस समय वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी। उसे काफी समय लगा ये समझने में कि जिंजू के लिए वो जो भी फील करता है वो इसलिए फील करता है क्योंकि एक समय पहले उसके लिए काफी स्पेशल हुआ करती थी और इतने समय के बाद उसके सामने फिर से आ गई। पर इस बार ये एहसास काफी अलग था। जिंजू उसके लिए खास थी, वो उसको उस तरीके से प्यार नहीं करता था। इनफैक्ट ये सारी चीजें उसे दूना के लिए फील होती थी। उसे भी रियलाइज नहीं हुआ कि कब दूना उसके लिए इतनी स्पेशल हो गई। इस बीच उसे भी पता था कि दूना की जिंदगी में कोई पी है जिसके वजह से वो काफी परेशान भी रहती थी। पर शायद उसे पता था कि दूना के लिए भी वो काफी स्पेशल है। दूना सारा समय वंजुन के साथ रहने की कोशिश करती थी। दूना को जब भी समय लगता वो वंजुन से मिलने जरूर आती। ये साथ में काफी सारा समय बिताना शुरू करते हैं। इसी बीच कोई दूना की फोटो लेता है और उसे सोशल मीडिया में डाल देता है और ये देखकर वंजुन को काफी अजीब लगता है। पर दूना उससे कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों की आदत है। और इसी बीच जिंजू अपनी फैमिली के पास थी। इसी बीच हम देखते हैं उसके पापा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो अपने दोनों बेटियों से कहते हैं कि उन दोनों को अपना सोशल मीडिया बंद करना होगा, उन्हें अपने दायरे में रहना होगा। इसके बाद जिंजू अपना इंस्टाग्राम बंद कर रही थी तभी उसके सामने दूना की फोटो आती है और इस पल उसे रियलाइज होता है उसे जिंदगी में आगे जाना होगा। उसे वंजुन के पास वापस जाना था। इसी बीच एक दिन ये दोनों साथ में होते हैं और दूना के घर में लाइट नहीं होती इसलिए वंजुन उसे सही करने आया था। वो देखता है दूना को चोट आई है इसलिए वो उसे आइस लगा रहा था। इसी बीच दूना उसके काफी पास आती है और वो उसे किस करती है पर वंजुन वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि उसे दूना अच्छी नहीं लगती थी, उसे वो काफी पसंद थी पर वो इतनी बड़ी स्टार थी और वंजुन उसके पास जाने से पहले काफी सोचता था कि ऐसा करना सही होगा या नहीं। इसलिए वो दूना से कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो और फ्रेंड्स कभी किस नहीं करते। वो बस इतना चाहता था कि उनके बीच में एक दायरा रहे क्योंकि ऐसा करने से चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं होती, सब कुछ सिंपल रहता है। वहीं जिंजू को उसका दोस्त कहता है कि वो उसे काफी पसंद करता है। वो जिंजू को डेट करना चाहता था पर जिंजू उसे मना करती है। वो उसे कहती है उसे कोई और पसंद है। इसके बाद वो हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ देती है और अपने पापा को हमेशा के लिए बाय कह देती है। उसे पता चलता है कि दूना अपने साथ रहने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रही है और जिंजू जानती थी कि वंजुन के पास आने का काफी अच्छा मौका है इसलिए वो दूना के साथ शिफ्ट हो जाती है। उसे दूना से कभी परेशानी नहीं हुई, उसे तो वो अच्छी लगती थी। परेशानी बस इतनी थी कि दूना को भी वंजुन काफी पसंद था। और इसी बीच एक दिन दूना काफी सारी पार्टी करती है, उसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना था और तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। वहीं दूसरी तरफ जिंजू वंजुन को बताती है कि उसने जब उसे प्रपोज किया था वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था और वो काफी खुशी में वापस अपने घर में गई थी। पर इसी पल उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा ने उसकी बहन के बाल काट दिए। उसकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड था और उसके पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये सब देखकर जिंजू काफी ज्यादा डर गई थी। वो जानती थी कि उसे वंजुन से दूर रहना होगा और इसी वजह से वो वंजुन की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई। और ये सुनकर वंजुन को सब समझ आता है कि क्यों वो अचानक से गायब हो गई थी। पर अब समस्या ये थी कि काफी ज्यादा देर हो गई थी। वो जिंजू को माफ कर देता है, उसे नहीं पता था कि वो जिंजू को क्या ही कहे। इसी बीच दूना वापस आती है, उसके साथ वो शख्स होता है। वो उसके पास आने की कोशिश करता है और ये सब देखकर दूना उसे दूर रहने के लिए कहती है। ये सब वंजुन भी देख रहा था, उसे काफी गुस्सा आता है। ये शख्स काफी ज्यादा बदतमीज था पर वंजुन को मंजूर नहीं था कि कोई भी दूना के बारे में कुछ भी कहे। और दूना को ऐसे किसी और के साथ में देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। दूना उसके पास आती है, उसे कहती है मुझसे बात करो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझसे पूछो कि मैं बाहर क्यों गई थी। वंजुन कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। पर दूना उसका पीछा करती है और वंजुन उस पर गुस्सा करता है। दूना उससे कहती है मैं बाहर इसलिए गई थी क्योंकि मेरे मन में तुम थे, हर समय मुझे तुम्हारा ही ख्याल था। मैं बाहर जाकर सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे अलावा कौन अच्छा लग सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं, मुझे सिर्फ तुम अच्छे लगते हो। और ये सुनकर वंजुन को रियलाइज होता है कि वो भी दूना के लिए सेम फील करता है। इसी बीच वो कोशिश करता है दूना की पुरानी जिंदगी को समझने की। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम्हें किस चीज से डर लगता है और ये सारी चीजें। उसे रियलाइज हो गया था कि उसे दूना से प्यार हो गया है। और इसी बीच दूना की मामू से मिलने आती है। वो उसे कहती तुमने वेट गेन कर लिया है, तुम्हें फिर से काम शुरू करना चाहिए। वो उसको ये भी नहीं पूछती कि वो कैसी है, उन्हें सिर्फ उसके पैसों से मतलब था और इसी वजह से वो उनसे बात नहीं करती थी क्योंकि उससे कभी अपनी मॉम से प्यार नहीं मिला। उन्होंने हमेशा उसका इस्तेमाल किया ऊंचाई तक जाने के लिए। और इसी बीच वंजुन को जिंजू का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया और वो तुम हो। मैं
जानती हूँ तुम किसी और को पसंद करते हो, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आई थी ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। हमारी दोस्ती मेरे लिए काफी स्पेशल थी और जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि शायद तुम मेरे लिए वो सब फील नहीं करते, पर मेरा ऐसा कहना जरूरी था। मंजुन उसे कहता है कि वो दूना से प्यार करता है और जिंजू और उसके बीच में अब कुछ भी वैसा नहीं है। ये सुनकर जिंजू को काफी दुख होता है, पर वो जानती थी कि ऐसा तो होना ही था। उसने मंजुन को ये सब इसलिए बताया क्योंकि उसने कभी उसका रिप्लाई नहीं किया था। उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि उसे मंजुन से दूर जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ दूना एक कॉन्सर्ट में जाती है, ये तो बस बहाना था। वो दरअसल पी से मिलने गई थी, वो बस एक बार पी को देखना चाहती थी, पर पी को उसे देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे मैसेज करता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई थी। दरअसल दूना अभी ब्रेक पर थी और पी बस इतना चाहता था कि दूना शांति से रहे, उसके आसपास ना दिखे, पर दूना ये समझ गई थी कि शायद पी को उसकी कोई चिंता नहीं है। इसी बीच वो मंजुन को कॉल करती है और उसे साथ में चलने के लिए कहती है। ये दूना का बचपन का घर था, ये काफी सारा समय एक दूसरे के साथ में रहते हैं। दूना को रियलाइज हो गया था कि मंजुन उसके लिए काफी स्पेशल है, उसकी जिंदगी में सिर्फ उसी ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके साथ उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो उसे छोड़कर जाएगा या हमेशा के लिए अकेला छोड़ देगा। पर इसी बीच अचानक से पी उसके सामने आता है और उसे सामने देखकर दूना को कुछ भी समझ नहीं आता। पी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और दूना वंजुन को छोड़कर उसके साथ में जाती है। उसे पी पर काफी गुस्सा आता है, उसे कहते तुम अभी क्यों वापस आए और तुम ऐसा क्यों शो कर रहे हो कि तुम्हें मेरी चिंता है। मैं तुम्हें पसंद करती थी, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था और मेरे सबसे मुश्किल वक्त में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। दूना समझ गई थी कि उसको पी से प्यार नहीं था, वो भी उसकी मॉम की तरह है, वो बस मतलब के लिए उसके साथ में रहते थे। इसी बीच उसे काफी गुस्सा आता है, उसे गाड़ी को रोकने के लिए कहती है पर पी ऐसा नहीं करता, इसलिए दूना जंप करने वाली थी और इसी बीच उसके पैर में काफी चोट आती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वंजुन उसे कॉल करता है पर दूना उसका कॉल रिसीव नहीं करती। उसका मन काफी परेशान था और वो वंजुन को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो दूना का सारी रात इंतजार करता है, दूना उसके लिए बस की टिकट देती है। वंजुन को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसे काफी दुख होता है। इसी बीच उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसे जाना पड़ता है। वहीं दूना पी से कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। वो जब वापस आती है उसे रियलाइज होता है कि वंजुन चला गया है। उसे कॉल करना चाहती थी पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो उसे क्या ही कहेगी, उसे काफी शर्मिंदा फील होता है। इसके बाद जब वो वापस आती है तो उसे वंजुन दिखता है, वो उसे बात करने की कोशिश करती है पर वंजुन उसे दूर रहना चाहता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि दूना ने बस उसे यूज किया अपना अकेलापन दूर करने के लिए। दूना उसे बात करना चाहती थी पर वंजुन उसे कहता है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो उसे बताता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। उसे याद आता है कि कैसे पी ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया, उसे जब ब्रेक चाहिए था तो पी ने उसे हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। अब सब कुछ उसके सामने था। वो वंजुन से कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम मुझसे दूर जाओ। वंजुन उसे कहता मैं ऐसा क्यों करूं, तुम सिर्फ मुझे परेशान करती हो। और दूना उसे कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो क्योंकि मैं समझ गई हूँ तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो, मुझे तुमसे प्यार है। और ये सुनकर वंजुन को काफी अच्छा लगता है, उसे भी वो काफी पसंद थी। इसके बाद आने वाला समय काफी ज्यादा प्यारा होता है, ये साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच एक दिन इन्हें कुछ अंगूठियां मिलती है और ये दोनों एक दूसरे को रिंग्स देते हैं। दूना काफी खुश रहने लग गई थी, उसे सब नॉर्मल लगने लगा था। इसी बीच एक दिन ये दोनों शो देखने गए थे। इसी बीच वंजुन को एक कॉल आता है, उसे बाहर जाना पड़ता है, पर जब वो वापस आता है वो देखता है कि सिंगर ने दूना को पहचान लिया था, इसलिए उसने उसे गाने बुलाया और दूना काफी समय के बाद परफॉर्म करती है। उसे गाना गाकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि इसकी जिंदगी में जो मिसिंग था उसके सामने आ गया है। और वंजुन भी देखता है कि दूना ये सब कितना पसंद करती है, उसे पूछता है तुम फिर से गाना क्यों नहीं गाती, तुम्हें अपना करियर फिर से शुरू करना चाहिए। तो दूना उसे कहती है कि मुझे गाना पसंद है पर इस समय पहली बार मुझे जिंदगी में अच्छा लग रहा है, मुझे काफी खुशी मिली है तुमसे। अगर मुझे वो करियर चाहिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा क्योंकि मैं ये दोनों चीजें साथ में नहीं कर पाऊंगी। पर सच बात तो ये थी उसे उन चीजों की याद आती थी, वो गाने को काफी मिस करती थी, उसे अपनी पुरानी जिंदगी की काफी याद आती थी, उसे वो सब काफी अच्छा लगता था और अभी के लिए वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। उसे इस चीज का काफी दुख था और इसी वजह से वो काफी परेशान भी रहती थी। इसी बीच जो कंपनी उसे मैनेज कर रही थी उसकी तरफ से उसे एक लीगल नोटिस आता है। दरअसल वो काफी समय से ब्रेक पर थी और उसकी कंपनी चाहती थी कि वो वापस आ जाए, अगर वो वैसा नहीं करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
जाएगा। वो ये सारी चीजें पी से डिस्कस करती है। पी उसे कहता है, मैं तुम्हारा बस मैनेजर हूँ, अगर मेरा बस चलता तो तुम कुछ भी कर सकती हो, पर मैं कंपनी के बीच में नहीं आ सकता। उसे गाना गाने के लिए कन्विंस करता है और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें उस लड़के को छोड़ना होगा, तुम्हारा करियर ये सब अलाउ नहीं करता। अब दूना काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो जिंजो के पास जाती है। वो जिंजो को सारी चीजें बताती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वंजुन से क्या कहेगी, और जिंजो भी नहीं जानती थी कि वो दूना से क्या कहे, वो बस उसे सहारा दे सकती थी। इसी बीच वंजुन को रियलाइज होता है कि दूना कुछ दिनों से काफी परेशान है। वो सो नहीं पा रही थी, वो काफी सारी दवाई भी ले रही थी। उसे लगता है कि शायद पी ने फिर से उसे परेशान किया, इसलिए वो गुस्से में पी के पास जाता है। पर पी उसे सब बताता है और सब कुछ उसके सामने आता है। पर वो दूना को उसके करियर में सपोर्ट करना चाहता था। दूना से उसका फोन भी ले लिया जाता है और ये दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते, इन्हें दूसरे से काफी दूर रहना पड़ता है। इसी बीच एक दिन दूना उससे मिलने आती है। वो नॉर्मल तरीके से उसे बात करना चाहती थी, पर वैसा हो नहीं सकता था, इनके बीच में काफी दूरियां आ गई थी। वंजुन उसे कहता है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं हर समय तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे लगता है तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। दूना को उस पर काफी गुस्सा आता है। उसे कहती है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम मेरे साथ में थे, तुमने मुझे बचाया है, मुझे नीचे से उठाया है, और अब जब मेरे पास सब कुछ है मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। वंजुन उसे कहता है कि उसे 2 साल के लिए आर्मी में जाना है, तो बेहतर यही होगा कि एक दूसरे से दूर हो जाए, अपनी नई जिंदगी शुरू करें। वंजुन ऐसा करना नहीं चाहता था, उसे लगता है ऐसा करना सही होगा, शायद दूरियां आने से ये अपनी जिंदगी में आगे जा पाए। पर उससे ज्यादा स्टूपिड और कोई भी नहीं था, बेशक अपनी जिंदगी में बिजी हो गए थे, पर दूरियां इंसान को एक ही चीज सिखाता है कि उसका प्यार किसी और के लिए कितना गहरा है। वो जब आर्मी से वापस आता है वो काफी सैड रहता है, उसे काफी अधूरा फील होता है। इसी बीच उसे जिंजू मिलती है। जिंजू उसे काफी सारी फोटोज दिखाती है, उसकी जिंदगी पहले से काफी अच्छी हो गई थी। इसी बीच एक फोटो में दूना होती है। दरअसल पिछले 2 सालों में उसकी और दूना की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। वंजुन बस इतना जानता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच एक दिन दूना उससे मिलने आती है। उसे ऐसे सामने देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उससे बातें करता है और पूछता है कि वो कैसी है और ये सब चीजें। और दूना जब वापस आती है वो काफी सैड होती है। उसे वंजुन पर गुस्सा आता है। वो वापस उसके पास जाती है। वो उसे कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और मुझे बताना होगा कि पिछले 2 साल तुम्हारे लिए भी उतने ही मुश्किल थे जितने मेरे लिए थे। मुझे सुनना है कि तुमने मेरे साथ काफी गलत किया, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और ये सब सुनकर वंजुन अपने आप को रोक नहीं पाता। उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, पिछले 2 सालों में एक भी पल ऐसा नहीं था जब मुझे अपनी गलती की रियलाइजेशन नहीं हुई, मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया। और ये सब दूना कब से सुनना चाहती थी, इनके पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं होता, ये बस इतना जानते थे कि इन्हें इस दूरी को खत्म करना होगा। इसके कुछ ही समय में हम देखते हैं कि वंजुन को एक काफी अच्छी जॉब लगी है और दूना भी अपने करियर में बिजी होती है। किसी को पता नहीं था पर ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, क्योंकि वैसा करना ही सबसे सही था। ऐसा करने से वो अपने पैशन को फॉलो कर सकती थी, उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट हो गई थी। इन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनकी जिंदगी जैसे भी थी काफी अच्छी जा रही थी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।